आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको YouTube खुद दे रहा है वीडियो वायरल करने का सेटिंग, या तो वीडियो वायरल करने का सेटिंग YouTube खुद दे रहा है, आपके थंबनेल में ही दे रहा है आपको। बड़े छोटे यूट्यूबर हो, बड़े यूट्यूबर हो, पुराने चैनल हो या नया चैनल हो, सब चैनल में यूट्यूब खुद दे रहा है। आज के 10 दिन पहले ये अपडेट कर चुका है मेरे दोस्तों यूट्यूब ने कि आप अपना खुद वीडियो वायरल कर सकते हैं इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। 100% गारंटी के साथ मैं लिख के कह सकता हूँ दोस्तों कि आप अपना वीडियो वायरल कर सकेंगे। जी हाँ, तो आप अपने सेटिंग को अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे तो आप अपना वीडियो खुद से वायरल कर सकेंगे। जी हाँ, तो यूट्यूब ने वो सेटिंग को ऑन किया है, इनेबल कर दिया है, उसको आप कर देंगे, ऑन करेंगे तभी आपका वीडियो वायरल होगा। जिस वीडियो में ऑन करेंगे वही वीडियो आपका वायरल होगा। जी हाँ, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप जिस वीडियो को सेटिंग को ऑन करेंगे वो वीडियो वायरल फीड पे चली जाएगी। जैसे मेरे दोस्तों देख सकते हैं, ये यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में से आप में से मेरे दोस्तों देख सकते हैं, इसके अंदर से ना इस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है, या इस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है, या इस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है, या इस पे ज्यादा व्यूज आ रहा है, यानी कि 10, 20, 30, 40, यानी कि इस वीडियो पे ज्यादा 40 व्यूज आ रहा है तो यूट्यूब इसी वीडियो को सेलेक्ट कर देगा आपके यूट्यूब चैनल पे, तो इस वीडियो पे ज्यादा ज्यादा व्यूज आएगा। जी हाँ, तो और ये 3 को मैनेज कर देगा। जी हाँ, तो चलिए मैं दोस्तों ये स्थिति को ऑन कैसे करता हूँ उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे सीधे चलिए आपको मोबाइल के स्क्रीन पे, जैसे मैंने मोबाइल आपको खोला है दोस्तों, और उसके बाद आपको जाना है सीधा अपने क्रोम में। जी हाँ, तो जैसे मैंने क्रोम को क्लिक किया, ये हमारा क्रोम ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ पे लिख सर्च करना है youtube.com, डेस्कटॉप और साइट पे इसको इनेबल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखते हैं youtube.com में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखता हमारा यूट्यूब डेस्कटॉप और साइट पे ऑन हो रहा है। जब ये ऑन हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना, जैसे यहाँ पे 3 डॉट पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करना। क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरा फंक्शन आ जाएगा, इस पे देख सकते हैं आपका चैनल, यानी कि योर चैनल पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पे नीचे दिया हुआ आप इसमें आ गया शो करेगा, यहाँ पे आप चैनल को अपने मन पसंद मुताबिक बनाए, यानी कि इसी के अंदर आपको सेटिंग को ऑन करना है। जैसे देखिए हमारा YT स्टूडियो बीटा YT स्टूडियो में इनेबल हो रहा है, जैसे हमारा ओपन हो रहा है, जैसे आपका ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर वो सेटिंग कहाँ पे छुपा है यूट्यूब ने सबको दे रखा है, वो सब लोग उसको यूज नहीं करते हैं, जिसके अंदर आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज कम आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये चैनल आ गया है, तो यहाँ पे जाना अपने कंटेंट पे, जिस वीडियो पे ऑन करेंगे उसी वीडियो में ये सेटिंग काम करेगी, हर एक वीडियो में काम नहीं करेगी। तो आपको हर एक वीडियो में ऑन करना पड़ेगा तभी ये सेटिंग आपको काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, देखना आपको एक बार ऑन करने के बाद आपको चुप नहीं रहना है, आपको हर एक वीडियो पे ऑन करते रहना है, आप अपना वीडियो को वायरल करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमारा ओपन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा वीडियो, पहला वीडियो, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। जी हाँ, तो जैसे आप क्लिक करके वीडियो पे, जिस वीडियो पे हमको ऑन करना है उस वीडियो पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिंक, और यहाँ पे थंबनेल, और दर्शक के लिए बच्चों के लिए बना वीडियो, और सारा सेटिंग दिया हुआ है। यह तो इसके अंदर आपको जाना है ज्यादा जाने ज्यादा दिखाए पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे देखते और सारा सेटिंग आ रहा है। मेरे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे देखते कितना सारा सेटिंग आ गया है, तो इसके बाद कौन सा सेटिंग को ऑन करना है जिसके अंदर आपके चैनल पे भी ज्यादा आएगा। यह तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है एडमल करने की अनुमति आन है, सो सदस्य फीड के पब्लिक करें और सदस्यों को सूचना भेजे, ये भी ऑन है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा हर एक वीडियो में। यह तो तभी आपके सब्सक्राइबर के पास आपका जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसमें साफ साफ लिखा है सदस्य फीड के पब्लिक करें और सदस्यों को सूचना भेजे, इसको ऑन करेंगे तभी आपके सब्सक्राइबर के पास सूचना जाएगा, नहीं जा रहा तो आपके जो चैनल व्यूज कम आएगा। यह तो इसको ऑन कर लेना है पहले, और उसके बाद आपको अपने वीडियो में यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब ने खुद बता के रखा हुआ है कि अपने एक वीडियो में 3-3 थंबनेल लगा सकते हैं। जी हाँ, तो 3-3 थंबनेल लगा सकते हैं अपने एक ही वीडियो में, 3 अलग तरह के, यानी कि ये हमारा थंबनेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 रुपए पे क्लिक करेंगे, आप क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बदले या जांच और तुलना करें, इस पे क्लिक करना है, जांच और तुलना करें पे, यानी कि आपको जांच करना है कि हमारा कौन सा वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा थंबनेल अच्छा वीडियो लेके आ रहा है, इसको जांच करना है। तो यहाँ पे हमने एक थंबनेल लगा के रखा है, आपको हमको यहाँ पे 2 थंबनेल लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्लस प्लस का, 2 थंबनेल लगाएंगे। यहाँ पे सीधा लिखा है आप 2 या 3 थंबनेल अपलोड करने के
करके आस पास की तुलना करें, जिससे पता चला कि दर्शक आपके कौन सा थंबनेल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यानी कि थंबनेल को देख के क्लिक बेट होता है, थंबनेल को देख के ज्यादा व्यूज आता है यूट्यूब चैनल पे। यह तो हमने ये समय लगाया हुआ, इस पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा थंबनेल लगाना चाहिए, उस पर भी व्यूज नहीं आ रहा है तो वो तीसरा लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको तीनों थंबनेल में से जिस वीडियो पे जिस थंबनेल पे ज्यादा व्यूज आएगा उस व्यूज थंबनेल को यूट्यूब खुद ही सेलेक्ट कर देगा और दोनों थंबनेल को हटा देगा। उसके बाद आपको उस थंबनेल पे ज्यादा व्यूज आता रहेगा हमेशा के लिए। तो जैसे पे आपको क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका थंबनेल जहां पे आप गैलरी पे थंबनेल डाउनलोड किए हुए हैं वहां से अब ये इनेबल हो जाएगा, यानी कि ओपन हो जाएगा। इस पे ब्राउज करने पे मैंने क्लिक किया, यह तो जैसे ब्राउज करने पे मैंने क्लिक करेंगे तो सीधे आप चले गए अपने गैलरी में। आपको इमेज पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको अपना थंबनेल सेलेक्ट करना है, जो थंबनेल आपको लगाना चाहते हैं। जैसे ये हमारा थंबनेल है, कोई भी थंबनेल है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जैसे हमारा थंबनेल डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, यानी कि हमारा थंबनेल यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे एक थंबनेल हमारा लग गया। अगर इस थंबनेल पे व्यूज नहीं आ रहा तो इस थंबनेल पे व्यूज आएगा, इस पे भी नहीं आ रहा तो आपको इस पे लगा देना है, इस पे भी जरूर आएगा। जी हाँ, तो अगर वीडियो का थंबनेल अलग अलग होना चाहिए, यानी कि टॉपिक एक ही होना चाहिए लेकिन बैकग्राउंड या फोटो या नाम का हेडिंग या अच्छा कलर अलग अलग होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोगों को दर्शकों को पसंद आए वो थंबनेल, उसके बाद आपको हो गया पे क्लिक कर देना है, यानी कि डन कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दो थंबनेल लग गया है। उसके बाद प्लेलिस्ट भी लगा देना, आपको प्लेलिस्ट हमारा पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको दो थंबनेल हमारा लग गया। इसके अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पे खुद से अपना वीडियो वायरल कर सकते हैं, यूट्यूब ने खुद ये सेटिंग को ऑन किया है आज के एक हफ्ता के अंदर। ये पहले स्ट्रिंग नहीं था, यानी तो पहले ये सेटिंग नहीं था, सिर्फ एक ही थंबनेल लगाने का ऑप्शन था। उसके बाद यूट्यूब ने समझा कि वीडियो किसी का वायरल नहीं हो रहा है, अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, थंबनेल भी लगाते हैं, क्लिकबेट होता है, एसईओ करते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब ने ऑप्शन दे दिया कि आप तीन थंबनेल लगा सकते हैं। तीनों थंबनेल पर अगर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपका वीडियो ही बेकार है। जी हाँ, तो अगर तीन थंबनेल पे व्यूज नहीं आ रहा आपके तो आपका वीडियो बेकार है। जी हाँ, तो बिल्कुल साफ साफ यूट्यूब ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके तीन थंबनेल को अलग अलग तरह से दर्शक को ध्यान खींचा जा सकता है। अगर तीनों थंबनेल पर दर्शक आपके यूट्यूब वीडियो पे नहीं आ रहे हैं तो यानी कि आपके वीडियो का ऑडियंस एडेसिव कम है, यानी कि एक मिनट से कम ही है, इसलिए आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ पे सेव कर देना है, जैसे मैंने सेव कर दिया तो ये हमारा थंबनेल यहाँ पे लग गया है। जी हाँ, तो ये हमारा थंबनेल यहाँ पे लग गया है। और वीडियो पसंद आई है तो मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे फॉलो कर लेना, जब भी मैं कोई नया अपडेट का वीडियो आए तो मैं अपलोड कर सकूं और आप सब उसको देख सके। जी हाँ, तो वीडियो पसंद करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा, चेस पॉडकास्ट को जय हिंद, वंदे मातरम।